हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 47, क्लास 10th है, सब्जेक्ट साइंस है और डेट है 16 दिसंबर। आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकली कॉलम नॉन एज ग्रुप्स एंड 7 रोज हॉरिजॉन्टली नॉन एज पीरियोडिक पीरियड्स। लेट अस सी व्हाट डिसाइड टू प्लेसिंग ऑफ एन एलिमेंट इन सर्टेन ग्रुप एंड पीरियड। यानी कि जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे लाइंस के नाम होते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। सो वर्टिकली कॉलम्स के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ वी टेक द एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन, अगर हम किसी ग्रुप वन का एलिमेंट लेते हैं ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, एंड राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं फर्स्ट 3 एलिमेंट्स में से ग्रुप वन के, जैसे कि एच, एल और एन है ये। ठीक है, तो इनके हम लिखेंगे 1, 2, 1 और 2, 8, 1। ऐसे होगा के, एल और एम शेल में अगर हम रखेंगे तो यही हमें मिलेंगे, है ना, यही है। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। आगे हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, में कौन सी सिमिलरिटी देखी। तो हम इसका आंसर देंगे, वी विल फाइंड दैट ऑल दीज एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। यानी कि तीनों में जो है सेम नंबर ऑफ वैलेंसी के जो इलेक्ट्रॉन है पाए गए हैं। ठीक है, 1, 1, 1 सेम है, 2, 2 भी सेम है वैसे तो, बट तीनों में सेम 1 है। ठीक है, उसके बाद है हाउ मैनी वैलेंसीज इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दीज 3 एलिमेंट। इन तीज एलिमेंट्स में कौन सा जो है तीनों में प्रेजेंट है, कौन सी वैलेंसी। ठीक है, इसके लिए आंसर है 1 इन द ई इन देयर वैलेंसी शेल्स। 1 मैंने कहा ना सेम है, तो यही हमें इसमें बताया गया है। आगे है, सो द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसमें भी हमारा जो प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसमें ग्रुप में वो हमारा सेम होगा, उसकी वैलेंसी जो है सेम होगी। नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ ग्रुप के इक्वल होती है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजिंग एज वी गो डाउन ग्रुप्स। अगर हम नीचे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स ऊपर जाएंगे, वो बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें बताएगा। ठीक है, एल आई लिथियम ले लें 2, 1, एन ए 2, 8, 1, के पोटेशियम 2, 8, 8, 1, ये हमें बताया गया है। ठीक है, सो ऐसे हमें समझाया गया है। फिर आगे हमसे बोला गया है हॉरिजॉन्टल रो के बारे में। हॉरिजॉन्टल रो के बारे में पढ़ेंगे, एल आई बी ई बी सी एन एन ओ एन ओ एफ। ठीक है, एंड एन ई आर प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड में लगते हैं। लुक एट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। यानी कि के, एल और एम में अगर हम इन्हें रखेंगे तो क्या सहेंगे 2, 1, 2, 2, 2, 3, इस टाइप से ये हमारे आने वाले हैं। ठीक है, डू दीज एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंसीज, इनमें भी जो 2 है वो सेम आ रहा है ना। डू दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स, इनके शेल्स में भी जो है सेम है। यस, तो ये भी सेम है, दो में ही तो आ रही है, के और एल की शेल में ही आएंगे सारे नंबर। ठीक है, 3 तो नहीं है, 2 ही शेल में आएंगे, है ना। आगे है, दीज एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियोडिक डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंसीज इलेक्ट्रॉन, वैलेंसीज इलेक्ट्रॉन के सेम नंबर नहीं है, बट दे कंटेन, लेकिन वो कंटेन करते हैं सेम नंबर ऑफ शेल्स, शेल सेम करते हैं। यानी कि यहाँ पर इस बात को कैंसिल कर दिया गया है कि वो जो है सेम सेकेंड पीरियोडिक में सेम नहीं होते हैं, अलग भी हो सकते हैं, लेकिन उनके जो शेल्स हैं वो सेम होंगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, नंबर द नंबर ऑफ वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बट 1 यूनिट।
वो बढ़ेंगे लेकिन एक यूनिट एज अ एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा बाय वन यूनिट, एक यूनिट से वो बढ़ेगा, ठीक है। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब भी वो लेफ्ट टू राइट होंगे, ठीक है, इन अ पीरियड, यानी कि उनकी लाइन में जब भी वो लेफ्ट से राइट होंगे तब ऐसा होगा, ठीक है। आगे नंबर ऑफ शेल नंबर ऑफ पीरियड के इक्वल होती है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे हमें दिया है द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो एटम हैं डिफरेंट एलिमेंट विथ सेम नंबर, एक जैसे नंबर के साथ, ऑफ ऑक्यूपाइड शेल, शेल ऑक्यूपाइड करते हैं, आर प्लेस्ड इन सेम पीरियड, सेम पीरियड में होते हैं, ठीक है, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, SiBSeCl एंड AR बिलोंग टू देयर थर्ड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, थर्ड पीरियड में आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। सिंस द इलेक्ट्रॉन इन एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट आर फिल्ड इन, ये किस में फिल्ड होते हैं, के एल और एम शेल में, ठीक है। वी कैन एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स, हम इनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं बेस्ड ऑन हाउ इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन टू वेरियस, इस बेस्ड पर कि वो कैसे उसमें फिल्ड हैं, ठीक है, वेरियस शेल जो है उनमें कैसे फिल्ड है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट कैन अकोमोडेटेड इन शेल, जैसे भी वो कैन मतलब जो मैक्सिमम नंबर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन के होंगे वो शेल पर डिपेंड होंगे, ऑन फार्मूला, जो फार्मूला है 2n² वेयर n इज द नंबर ऑफ गिवन शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी कि जहाँ पर जो n है वो गिवन होगी हमें शेल इस न्यूक्लियस में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आगे हम एग्जांपल के द्वारा समझाया गया है, के शेल ले लेते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर के शेल दिए 2 × 2, ठीक है, 2n² है ना, तो 2 की जगह n जो है वो हमारा 1 का स्क्वायर हो गया, इट्स 2, हैंस फर्स्ट पीरियोडिक हैज़ 2 एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट पीरियोडिक में 2 एलिमेंट होंगे, सेकंड में 2 की पावर अगर हमने 2 ली है तो उसमें हमें 8 मिलेंगे, हैंस सेकंड पीरियड हैज़ 8 एलिमेंट, उसमें कितने होंगे, 8 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। द थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ पीरियड हैव 8, 18, 18, 32 and 32 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, यही सब उसमें हमें मिलेंगे, ठीक है। ये तो हो गई हमारी आज की वर्कशीट, अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछें, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं कैसे करने हैं। फर्स्ट में पूछा है एलिमेंट फ्लोरीन एफ क्लोरीन सी एल, बिलोंग करते हैं वो ग्रुप 17 में, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव इन देयर आउटर मोस्ट शेल, उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या मतलब यहाँ पर जो बाहर वाली शेल होगी ये इसमें कितने होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट आंसर, एलिमेंट फ्लोरीन एफ एंड क्लोरीन सी एल बिलोंग टू द ग्रुप 17 एंड हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, यानी कि उनके बाहर के शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। आगे भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा था राइट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन Mg यानी कि मैग्नीशियम AlSi2 विच ग्रुप एंड मीरियड दे बिलोंग टू, एटॉमिक नंबर Mg Al एंड Si 12, 13 एंड 14 रिस्पेक्टिवली, तो इसके बारे में चलिए देखते हैं किस में बिलोंग करते हैं ये। तो ये रहा हमारा सेकंड आंसर, एटॉमिक नंबर Mg इज 12, ठीक है, देयर फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम Mg इज 282, मैग्नीशियम इज इन सेकंड ग्रुप, एटॉमिक नंबर ऑफ Al इज 13, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, एल्यूमिनियम इज इन 13th ग्रुप, एटॉमिक नंबर इज Si इज 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284 एंड सिलिकॉन इन इट इज इन 14th ग्रुप, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर सेकंड। अब देखिए Si बिलोंग टू देयर थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सिंस द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑफ दीज एलिमेंट्स आर फिल्ड इन के एल एंड एम शेल, ठीक है। So, I write down the electronic configuration of first three element of group. What similarity you will find in electronic configuration of these elements? यानी कि इसमें हमें क्या similarity मिली है? तो ये रहा हमारा third answer, ठीक है? Group first electron are known as alkali metals.
फर्स्ट थ्री एलिमेंट इन ग्रुप फर्स्ट आर लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम 2-1, ठीक है. एटॉमिक नंबर 3 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 281, एटॉमिक नंबर 11 होता है. इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम 281 होता है, एटॉमिक नंबर 19. दीज एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंसीज इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1, ठीक है. हम इसमें बताएं तो क्या सिमिलैरिटी है, तो ये हमारी सिमिलैरिटी, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3, ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी एलिमेंट आर देयर इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ पीरियड, इसमें कितने एलिमेंट होते हैं. सो ये रहा हमारा आंसर. इन पीरियड फर्स्ट हैज ओनली 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम. वाइल पीरियड सेकेंड एंड थर्ड हैव 8 एलिमेंट, पीरियड 4 हैज 18 एलिमेंट, ठीक है. ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4, ठीक है. इतना ही था. क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट इट्स पोजिशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो देख लेते हैं आंसर. चलिए आंसर देख लेते हैं. आंसर द पोजिशन ऑफ एन एटम एलिमेंट इज पीरियोडिक टेबल इज रिलेट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल. इन अ गिवन कॉलम और ग्रुप ऑल एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल. फॉर एग्जाम्पल इन ग्रुप सेकेंड ऑल एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल. इन ग्रुप 15 ऑल इलेक्ट्रॉन हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, ठीक है. ये हमारा आंसर नंबर 5th, लास्ट आंसर कंप्लीट. बच्चों यही थी हमारी आज की वर्कशीट, आई होप आपने अच्छे से की हो.